समुद्री उत्ताल लहरों से जूझना, कई कई सप्ताह दिन रात मछलियों के लिए समुद्र में खाक छानना, जान जोखिम में डालकर मछलियां पकड़ना, समुद्र में जाने का तो पता लेकिन खुद के वापस लौटने का जवाब ना होना, तमाम दर्दनाक हादसों का घटना लेकिन एक बार फिर हिम्मत जुटाना, इसी जमीनी हकीकत से जूझती ये कहानी है देश के समुद्री तटों पर बसे करोड़ों मछुआरों की और इनके जोखिम भरे जीवन में एक आशा की किरण है फिशकॉफेड। फिशकॉफेड यानी राष्ट्रीय मत्स्यजीवी सहकारी संघ मर्यादित, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित एक ऐसा संघ है जो देश के मछुआरों के हित में पिछले 4 दशकों से कार्यरत है। देश के इस कमजोर तम तबके के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा फिशकॉफेड का गठन सन 1980 में महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ के अंतर्गत किया गया। आज यह सहकारी संघ न केवल अलग अलग राज्यों में सक्रिय हैं, बल्कि एनसीडीसी के अलावा देश भर के 90 संस्थान फिशकॉफेड के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। फिशकॉफेड का मुख्य उद्देश्य है पूरे भारत में मत्स्य पालन से जुड़े सहकारी संघों का प्रचार प्रसार और विकास करना, उन्हें शिक्षित कर उनका मार्गदर्शन करना, उन्हें सुरक्षा देना और सरकार के द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से उनका सहयोग करना। हमारा इस फेडरेशन का जो लक्ष्य है कि पूरे देश में हर राज्य में फिशकॉफेड का एक ऑफिस खुले, देश में एक कोल्ड चेन तैयार हो, फिशरीज में नील क्रांति होने के लिए एक कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट, आइस फैक्ट्री, इस प्रकार का एक कोल्ड चेन वहाँ पे तैयार हो, गरीब मछुआरों की जो सहकारी समितियाँ है उसमें तालाबों के पट्टों का जो वितरण है उसमें राष्ट्रीय लेवल पर एक पॉलिसी बने। मछुआरों की समुद्र में आकस्मिक मौत की अनगिनत घटनाओं को ध्यान में रखते हुए देश भर में फिशकॉफेड ने राज्य सरकार और यूटी मत्स्य विभाग की सहभागिता में मछुआरा समुदाय के लिए एक कल्याणकारी सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत बीमित मछुआरे की मौत पर 1,00,000 रुपया और अपंग होने पर 50,000 रुपये दिए जाते हैं। अभी तक 23 राज्यों के और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 41,00,000 मछुआरे इस योजना का हिस्सा बन चुके हैं। फिशकॉफेड द्वारा चलाई गई बीमा योजना से मछुआरा समुदाय की जिंदगी में कैसे एक उम्मीद बंधी है, इसके लिए जानते हैं जुगल बेहरा की दर्द भरी कहानी। मेरे पति चिलिका में मछली पकड़ने गए थे, उन पर बिजली गिरी और मौत हो गई। बच्चे मुश्किल से घर आ पाए, नाव टूट गई, मशीन खराब हो गई, मैं बड़ी मुश्किल से दिन काट रही हूँ। भारी कॉस्ट दुख रे दिन काट रही हूँ। अब टूटी नाव लेकर बच्चे चिलिका नहीं जा पाते। ये बच्चा मानसिक रूप से ठीक नहीं, इस पर बहुत खर्चा होता है। एक दिन खाते हैं तो अगले दिन भूखे सोते हैं। हमारा कोई नहीं जो चिलिका जाए। आप लोगों ने जो बीमा का पैसा दिया उससे थोड़ी मदद हो गई, वरना उनकी मौत के बाद हम भी मर जाते। सपना देखा था कि बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, पैसा कमाए और हमारी देख रेख करे। वो तो रहे नहीं, अब ये भी मछली पकड़ने के अलावा क्या करेंगे। तमाम दर्दनाक हादसों और घटनाओं को देखते हुए फिशकॉफेड मछुआरों के जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है और इसी कड़ी में फिशकॉफेड ने मछुआरों के जीवन की सुरक्षा का दायरा
और मजबूत करने की कोशिश की है। मछुआरों को बीमा योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए के मेडिकल कवर के अलावा उनकी आकस्मिक मृत्यु पर उनके परिवार को 2,00,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। मछुआरों की पूर्ण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिशकॉफेड ने आधुनिक उपकरणों का भी मछुआरों की सुरक्षा में इस्तेमाल किया है। डैट यानी डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर उपकरण 108 की मदद से नौका में अचानक आग लगने पर, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर, नाव के डूबने पर और मछुआरे को डूबने से बचाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस उपकरण में दिए गए बटनों को दबाकर मछुआरे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। इस उपकरण की तरंगें सीधे सैटेलाइट के जरिए कंट्रोल रूम में जाती हैं। जैसे ही कंट्रोल रूम में किसी आपात घटना के बारे में पता चलता है, 24 घंटे लगातार निगरानी रखने वाला ये कंट्रोल रूम तुरंत हरकत में आकर मदद के लिए दौड़ता है। इफको और फिशकॉफेड के सहयोग से मछुआरों के लिए एक अनोखी योजना के अंतर्गत एक किसान केंद्र की स्थापना की गई है, जिसमें मछुआरों को मोबाइल ग्रीन सिम कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। मछुआरों को मोबाइल पर मौसम, समुद्री लहरों और तापमान की जानकारी के लिए दिन में 5 वॉइस एसएमएस भेजे जाते हैं। मछुआरे अपने मोबाइल से केंद्र पर फोन करके सवाल भी पूछ सकते हैं। मछुआरों के साथ बने इस संवाद से न केवल मछुआरों का जीवन आसान हुआ है, बल्कि फिशकॉफेड को भी मछुआरों के आंकड़ों के अलावा उनकी सलामती की भी जानकारी मिलती रहती है। मछुआरों लोग जाते हैं समुन्दर का भीतर जाते हैं ना, उन लोग का पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, आज का वेदर कैसा रहेगा, वेव हाइट कैसा रहेगा, तरंग कैसा रहेगा, विंड स्पीड कैसा रहेगा, बारिश का हालत क्या रहेगा। इस वजह से एक्चुअली उड़ीसा सरकार ने इसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाए हैं। फिशकॉफेड ने मछुआरों के प्रशिक्षण पर खास जोर दिया है। समुद्री खारे और मीठे पानी में उत्पादित मछलियों के उत्पादन में बीते वर्षों में काफी बढ़ोतरी हुई है, साथ ही मछुआरों को उचित मुनाफा भी मिला है। मछुआरा समुदाय में रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। यहाँ पे हमारा कैलेंडर होता है जो डायरेक्टोरेट से आता है, उसमें हम एक जो होता है शेड्यूल बनाते हैं, टाइम टेबल, उसके हिसाब से हर महीने 60 लोग आते हैं जो कि अनएम्प्लॉयड यूथ हो सकते हैं, NMPS रिलेटेड जो भी होते हैं वो आ सकते हैं, NFDB के अंदर जो होते हैं वो आ सकते हैं, FFTA वो लोग आ सकते हैं। वो लोग ट्रेनिंग लेते हैं किसके, जो फंडामेंटल से लेके पूरा ग्रो आउट कार्प कल्चर के वहाँ तक से ट्रेनिंग लेते हैं। हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि कौन से मिट्टी में मछली हमारा हो सकता है और कौन से पानी में हो सकता है, पानी टेस्ट कैसे करते हैं। फिशकॉफेड मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने और मछुआरों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उड़ीसा राज्य के पुरी, कोणार्क और चिलिका से मछलियों के भारी उत्पादन के साथ साथ राज्य के दूर दराज के क्षेत्र कटक जिले के कलकला गांव में फिशकॉफेड ने एक्वाकल्चर के प्रचार प्रसार को काफी बढ़ावा दिया है। यहाँ हिचरी के अलावा रिजर्वायर बनाए गए हैं। हिचरी में सीट तैयार कर तालाबों में मछली के अंडे यानी स्पॉन्ज छोड़े जाते हैं। तमाम शोध और एक्वाकल्चर के द्वारा मछली उत्पादन के क्षेत्र में कलकला में काफी बढ़ोतरी की जा रही है। फिशकॉफेड ने मछलियों की कई किस्मों को खोजने के दौरान सजावटी मछलियों की ओर भी ध्यान दिया है। फिशकॉफेड न केवल इन ऑर्नामेंटल मछलियों को एक्वाकल्चर के अंतर्गत तैयार करता है, बल्कि बाजार में इनकी लगातार बढ़ती मांग को भी पूरा कर रहा है। समुद्री मछलियों के अलावा देश के पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में
मीठे पानी में पैदा होने वाली ट्राउट मछली की भी न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी भारी मांग है। हिमाचल प्रदेश में एक इंडो नॉर्वेजियन ट्राउट फार्मिंग प्रोजेक्ट 80s में आया था। ये प्रोजेक्ट जो है हमारे जिला कुल्लू में हमारा एक ट्राउट का फार्म है, ट्राउट ब्रीडिंग फार्म है पतलीकूल में, वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी इसको स्टैंडर्डाइज किया गया और ये टेक्नोलॉजी जो है इट हैज़ प्रूवन वेरी सक्सेसफुल इन हिमाचल प्रदेश। एंड मेन थीम ऑफ दिस टेक्नोलॉजी वॉज टू ट्रांसफर दिस टेक्नोलॉजी टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। कुल्लू में हिमाचल सरकार के द्वारा यहाँ भी एक्वा कल्चर को काफी बढ़ावा मिल रहा है। हेचरी में ट्राउट मछली के अंडे निकालकर उन्हें तैयार किया जाता है। पानी के अलग अलग टैंकों में मछलियों को उनके आकार के अनुसार रखा जाता है। नवंबर से जनवरी तक इसका एग्स निकाला जाता है और उसके बाद कोई 3 महीने इनको एग्स से बच्चे बाहर निकलते हैं और कोई 3 महीने और हम इनको नर्सरी में रखते हैं और उसके बाद हम अपने ये फार्म में बड़े टैंकों में जाते हैं और यहाँ पर 12 महीने इनका पालने के बाद हम इनको टेबल साइज तक 350 ग्राम 450 ग्राम तक इनको बड़ा करते हैं और उसके बाद सेल कर लेते हैं। तैयार ट्राउट को अच्छे दामों में देश के अलग अलग भागों में बेचा जाता है। ट्राउट मछली की लोकप्रियता इस कदर है कि इसके खाने के शौकीन अक्सर हिमाचल खिंचे चले आते हैं। हमारे यहाँ पूरे देश से अलग अलग जगह से अलग अलग लोग आते हैं, दूसरी कंट्री से भी आते हैं, जैसे रशिया हो गया, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, काफ़ी जगह से सिर्फ ट्राउट खाने के लिए यहाँ पे आते हैं क्योंकि एक ऐसी इकलौती जगह जहाँ हम फ्रेश सर्व करते हैं, उनके सामने ही निकालते हैं, ये फ्रीज्ड नहीं होती, कुछ नहीं, पॉन टू पैन विद इन 2 मिनट। फिशकॉफेड अपनी मार्केटिंग नीति के अंतर्गत राजधानी में स्थित गाजीपुर थोक मछली मंडी में भी अपनी शॉप स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। इसके जरिए बाजार में मछलियों की आपूर्ति हो रही है जिससे राजधानी में सहकारी मछली बाजार गतिविधि को बढ़ावा मिले। गाजीपुर थोक मछली मंडी में तमाम किस्में उपलब्ध होती हैं और यहीं से फिशकॉफेड के सामान्य सदस्यों द्वारा फिशकॉफेड की रिटेल दुकानों से उपभोक्ताओं की मांग को पूरा किया जाता है। फिशकॉफेड के द्वारा न केवल उपभोक्ताओं को उचित दामों पर देश के अलग अलग भागों से लाई गई उत्कृष्ट किस्म की मछलियां उपलब्ध कराई जाती हैं, बल्कि मत्स्य उत्पादन से जुड़ी सहकारी समितियों को भी उनका उचित दाम दिलाया जाता है। अच्छे किस्म की मछलियों की भारी मांग को देखते हुए फिशकॉफेड देश के तमाम भागों की सहकारी समितियों से विभिन्न किस्मों की मछलियां प्राप्त करके देश के सभी वर्गों के उपभोक्ताओं की मांग को पूरा कर रहा है जिससे समितियों के सदस्यों की स्थिति काफी सुधरी है। आज की डेट में हर रेस्टोरेंट में जो मैंने हर टाइप का जो फिश बनाता रहते हूँ, जैसे बेक फिश हो गया, कोच फिश हो गया, ग्रिल्ड फिश हो गया, फ्राइड फिश हो गया, ऑल फिश, फिश ग्रेटिनेटेड हो गया, तो इस टाइप का फिश मेरे को जिस हिसाब से डिमांड आता है गेस्ट का, उस हिसाब से ही मैंने गेस्ट को बना के देते हैं। कोल्ड चेन से भारतीयों के लिए दूर दराज के इलाकों में फिश का आनंद लेना संभव हुआ है। अगर हम फिश को फैट की बात करें तो फ्लैट फिश, ऑयली फिश और सेल फिश के अलावा यहाँ तमाम किस्में उपलब्ध हैं।
उड़ीसा में हम पूरी तरह प्रयासरत हैं कि सभी सामान्य मत्स्यजीवियों को सही सूचना मिल सके, जैसे टोल फ्री कॉल सेंटर, जहां वो फोन करके मछली पालन से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त कर सकें, चाहे वो सरकारी योजनाएं हो या फिर मौसम से जुड़ी जानकारी। फिशकॉफेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और इसके अलावा फिशकॉफेड से जुड़े तमाम अधिकारी सभी सहकारी समितियों और उनके सदस्यों को एक मंच पर लाकर मछुआरों के हित में संलग्न हैं। फिशरमैन सोसाइटीज हैव अ वेरी ग्रेट रोल टू प्ले। अभी मछुआरा समुदाय को उत्पादन और मार्केटिंग में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। अभी ये प्राथमिक उत्पादन में संलग्न है और आस पड़ोस के इलाके में मछली उत्पादन की आपूर्ति कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में ये ट्रेनिंग लेकर ओवरसीज के लिए उत्पादन कर सकते हैं, जो मछुआरा समुदाय के लिए काफी फायदे का सौदा हो सकता है। प्रॉफिटेबल वेंचर्स फॉर द फिशरमैन। पूरे देश में लगभग 18,000 मत्स्य के सहकारी समितियां हैं और इन समितियों के लगभग 31 लाख सदस्य मछुआरा समुदाय से हैं, जो कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से काफी पिछड़े हुए हैं और इन्हें एक सूत्र में पिरोने का जिम्मा फिशकॉफेड ने उठाया है। फिशरीज का एक सेपरेट मिनिस्ट्री होना जरूरी है। अगर ये होता है देश पे हमारा फिश प्रोडक्शन और फिशरमैन का काफ़ी काम हो पाएगा। दूसरा चीज़ है, एग्रीकल्चर का साथ साथ फिशरीज का पैरिटी होना चाहिए। आज फिशरीज का कुछ स्टेट पे पैरिटी है, क्योंकि फिशरीज और एग्रीकल्चर दोनों स्टेट सब्जेक्ट है। कोऑपरेटिव भी जो भी है वो भी स्टेट सब्जेक्ट है, तो इनको हम चाहते कि ये दोनों पे पैरिटी होना चाहिए। जो एग्रीकल्चर के लिए जो सुविधा मिल रहा है, जो इंटरेस्ट पे आपको रिबेट मिल रहा है, कि इलेक्ट्रिकल तारीफ पे जो रिबेट मिल रहा है, ये सारी बेनिफिट भी फिशरी सेक्टर पे मिलना चाहिए। फिशकॉफेड तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे IECA, ICFO और NEDAC का सदस्य है। फिशकॉफेड के प्रबंध निदेशक ICFO कोरिया के वाइस चेयरमैन भी हैं। इन संस्थाओं के द्वारा आयोजित दुतरफा कार्यक्रमों से मत्स्य के सहकारी अभियान को काफी फायदा हुआ है। फिशकॉफेड अपने सदस्यों के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा में त्रैमासिक पत्रिका के अलावा मिनालोका नाम से भी स्थानीय भाषा में एक पत्रिका प्रकाशित करता है। प्रत्येक वर्ष इस प्रकाशित श्रृंखला के अलावा भारत में मत्स्य के सहकारी समितियों के आंकड़ों की एक किताब भी प्रकाशित की गई है। इसके अलावा तमाम मंत्रालयों, विभागों, संस्थानों और दुनिया के तमाम देशों से भी फिशकॉफेड ने हाथ मिलाया है, इस उम्मीद में कि कल सब मिलकर मछुआरा समुदाय के जीवन को सरकार की तमाम योजनाओं और प्रयासों से रोशन कर सकें और देश के इस कमजोरतम तबके को समाज की मुख्य धारा में शामिल कर अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा सकें। दुहाई लागे डुबायो ना पापेर मरा गेले।